What? हाँ सच है, पत्रा सर रोड पे क्या मिले, बैड लक पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ये सारी गलती मेरी है, तुमने मना भी किया था उस ड्राइवर को पैसे ऑफर नहीं करने के लिए, फिर भी मैंने किए। अगर मैं नहीं करता तो ये सब I'm really very sorry परागी। संजय तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम तो बस कैसे भी करके मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचाना चाहते थे, दैट्स इट। पता मुझे तो लगता है पत्रा सर को ना लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है, हमेशा उन्हें टारगेट करते हैं। हाँ ये मैंने भी नोटिस किया है। लगता है वो मेरी परागी को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। अच्छा सुनो, अब तो तुम्हें पता लग गया है ना कि उनकी क्वेश्चंस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो तुम हर पॉसिबल क्वेश्चन की तैयारी करो, चाहे तुम्हें रात भर जागना पड़े लेकिन तुम तैयारी करो। तुम्हारे जवाब खत्म नहीं होने चाहिए, चाहे उनके सवाल खत्म हो जाए। यस संजू, अब तुम देखना तुम्हारी परू कितनी तैयारी करती है। ये हुई ना मेरी परू वाली बात। परागी तुम बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। यस संजू। अच्छा तुम भी कल जाकर अपने नए ड्रीम प्रोजेक्ट पे अच्छे से फोकस करना, और हाँ फ्री माइंड से अपने सपने के बारे में भी जरूर सोचना। तुम बैठे कहाँ हो? अरे कुछ नहीं, वो मैं कमरे में बोर हो रहा था तो होटल के कैफे में आया हूँ, अकेले बैठ के कॉफी पी रहा हूँ, जॉइन मी। अच्छा देखना ठंड बहुत ज्यादा है। ओके चलो बाय, गुड नाइट। बाय। ये ले। पत्रा सर आज सवाल आपने पूछा है, कल जवाब मैं दूंगी। भाभी जी संजू कितने बजे तक पहुंच रहा है? सुबह उसका मैसेज आया था, फ्लाइट 1 बजे लैंड करेगी तो 2 बजे तक वो घर पहुंच जाएगा। ग्रेट, तो फिर मैं 3 बजे की मीटिंग रखवा लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर और मैं नहीं चाहता हूँ कि संजू ये मीटिंग्स मिस करे। हाँ हाँ वो 2 बजे तक घर पहुंच जाएगा, 3 बजे की मीटिंग आराम से अटेंड कर लेगा। क्या बात है प्रमोद, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, इस प्रोजेक्ट को लेकर ये मीटिंग्स बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है संजू का इस मीटिंग्स में होना। संजू को उन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना है और मुझे डर है कि कहीं संजू उस पराकी के चक्कर में मसूरी में ही ना अटका रह जाए। तुमने होटल से चेकआउट कर लिया? हाँ हाँ चेकआउट कर लिया मैंने, बस निकलने वाला हूँ, 10 बजे विजिटिंग आवर्स है, पता किया है मैंने, परमिशन भी ले ली है, तुमसे मिलकर ही जाऊंगा, डोंट वरी। सुनो तुम पत्रा सर की क्लास के लिए रेडी हो ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? एकदम रेडी हूँ संजू, तुम्हारी एडवाइस फॉलो करूंगी तो रेडी होंगी। देखना पत्रा सर को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। यू आर द बेस्ट। इट्स ओके। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना जो भी चाहिए आपको, ये लीजिए ये लीजिए। यूपीएससी का एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप लोग आगे तो बढ़ गए, पर एग्जाम की तैयारी करते समय आपने जो पढ़ाई की उसमें से देखते हैं आपको क्या याद है या फिर सब कुछ ब्रेन से वॉश हो गया। सरप्राइज टेस्ट, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। इस सरप्राइज टेस्ट में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो आपके फाइनल इवैल्यूएशन में ऐड किए जाएंगे। आज का टारगेट फुल मार्क्स। मिस परागी प्लीज लीव द क्लास। आई सेड लीव द क्लास। तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। मिस परागी
एक वीडियो कॉल जैसे इरेशनल रीजन की वजह से आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई हैव सम अदर लॉजिकल रीजन टू सेंड यू आउट। कल रात आपने कैंपस क्लोजिंग टाइम पर ना आकर रूल्स और डिसिप्लिन दोनों को तोड़ा है। दैट इज व्हाई आई एम सेंडिंग यू आउट। प्लीज लीव। सर, आज होने वाले टेस्ट के मार्क्स इवैल्यूएशन में काउंट होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे कोई और पनिशमेंट दे दीजिए, बट प्लीज टेस्ट से मत रोकिए। आई सेड आउट। एक मिनट। आप अपना फोन भूल रही हैं। क्लास के बाहर आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। जितना चाहे उतना वीडियो कॉल कीजिए अपने हस्बैंड को। प्लीज। वेल, टेस्ट शुरू करते हैं। इट्स ओके। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत से चैलेंजेस से जीती हूं, पत्रा सर के चैलेंजेस से भी जीतूंगी। आप ट्राई करते रहिए सर, मैं अपना काम करती रहूंगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? क्लास कैसी थी तुम्हारी? बत्रा सर को जवाब दिया तुमने? आज की क्लास कुछ अलग ही थी। आई मीन सब सही था, नॉर्मल था। कुछ हुआ है? ठीक हो तुम? तुम जा रहे हो, बस वही सोचकर थोड़ा सा अपसेट हूं। ओके तो मैं भी नहीं हूँ, तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। तुम्हें पता है भोपाल जाने के बाद मेरे पास सिर्फ दो ही अर्जेंट काम है, एक तुम्हें मिस करना और दूसरा तुम्हारा वेट करना, बस। सही बोलूं तो काश तुम नहीं जाते, बट आई नो तुम्हारा वहां जाना कितना इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ और अच्छे से काम पे फोकस करना, और जैसे ही तुम्हें ट्रेनिंग में रेस्ट मिलेगा फटाफट से उड़ के आ जाऊंगा मैं तुमसे मिलने के लिए। मैं वेट करूंगी। मैं भी वेट करूंगा। अच्छा, मेरी ड्राइविंग क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करना। ऑनेस्टली गुलवाज, बत्रा सर ने मिसेस परागी पाठक के साथ सही से बिहेव नहीं किया। हाँ यार, सीधा क्लास से ही बाहर कर दिया, ऐसे तो एवेल्यूएशन में उनके मार्क्स ही कट जाएंगे। तभी परागी इतना परेशान थी, इतना सब कुछ हो गया उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ चाचू। संजू, तू एयरपोर्ट के लिए निकल गया ना?
मैं तुझे पिकअप करने के लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। चाचू मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। क्या? मगर क्यों? चाचू दरअसल परागी को मेरी जरूरत है, तो मैं नहीं आ पाऊँ। संजू समझने की कोशिश करो, जब तक भाई साहब को मीटिंग के लिए भेज सकता था तब तक मैंने भेजा, लेकिन अब इन्वेस्टर तुझे मिलना चाहते हैं। अगर तू ही अवेलेबल नहीं होगा तो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वीडियो कॉल, मैं उनके साथ वीडियो कॉल पर बात कर लूंगा ना, जितनी भी कॉन्फ्रेंस होगी मैं वीडियो कॉल पर कर लूंगा। ओ कम ऑन संजू, ये अमेरिका नहीं भोपाल है, यहाँ पर लोग फिजिकली मिलना पसंद करते हैं, नहीं तो बुरा मान जाते हैं। चाचू आप और पापा तो है ना साथ में, तो आप जब साथ में है तो मैं वीडियो कॉल पे काम कर सकता हूँ। और इस वक्त परागी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर मैं आ गया तो यहाँ भी तो काम खराब हो सकता है ना, तो प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं आ सकता। आपने सुना भाभी जी, ये तो हद हो गई, ये सब उस परागी के वजह से हो रहा है। आज वो मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहा है, ऐसे तो वो कल कुछ भी नहीं कर पाएगा, बर्बादी हो जाएगी। हर बार मेरा बेटा ही सैक्रिफाइस करता आया है परागी के लिए, क्या कभी परागी भी कुछ सैक्रिफाइस करेगी संजू की? और बेहतर हो सकता था। नेक्स्ट मिस परागी, चलिए। चलिए शुरू कीजिए। परागी मैंने भोपाल जाना कैंसिल कर दिया, जब शाम को मिलोगी तो तुम्हें ये बात बता दूंगा, अगर अभी बताऊंगा तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, अभी सिर्फ तुम अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट्स इट। संजय ने इतनी मेहनत करके 2-3 घंटे ड्राइविंग सिखाई तो थी, पर अब ये टेढ़ा मेढ़ा टास्क मैं कैसे करूंगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। परागी क्या सोच रही हैं आप, चलिए शुरू कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे संजय मेरे पास है? जब भी मैं परागी के आसपास होता हूँ उसे मेरे होने का एहसास कैसे हो जाता है? प्यार है या फिर मेरा आफ्टरशेव? मेरा आफ्टरशेव इतना स्ट्रॉन्ग है कि सर साथ में अब क्या करेगी परागी? ये परागी के साथ क्यों जा रहा है? कहीं ड्राइविंग के टाइम पर परागी को डराने का कोई प्लान तो नहीं है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देके ताकि परागी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तुम सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है परागी। परागी ट्रेन ड्राइवर नहीं है, उसे उतने अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती। ये टेस्ट परागी के लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, पता नहीं वो कैसे करेगी, पर तुम डरना मत, बी स्ट्रॉन्ग। किसका इंतजार कर रही है? चलिए। सर
तुम कर लोगी परागी, जस्ट फोकस। बैलगाड़ी नहीं है ये, दिस इज अ कार। इसे कार की तरह चलाइए, सेकंड गियर नहीं थर्ड गियर लगाइए। वीडियो गेम नहीं है ये, स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो, स्लो करो स्पीड, आगे से लेफ्ट लो, इंडिकेटर। अभी राइट लो, डिपर ऑन करो, गोल घुमाओ, देखे शार्प लेफ्ट, गुड, टेक ए यू टर्न, मेरा शक सही निकला कि मिस्टर बत्रा तो परागी को परेशान कर रहे हैं। पूरा भी कर लिया और सर ने कुछ कहा भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हो सकता है मैं जो कहने वाली हूं उसके लिए आप मुझे नेगेटिव स्कोर्स दें। अगर मैंने नहीं कहा तो एज अ वुमन खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आप मेरे साथ बैठे थे मेरी ड्राइविंग चेक करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स चेक करने के लिए कि मैं मल्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाती हूँ या नहीं। एंड एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि रेड कोन्स और ऑब्स्टैकल्स वही हैं जहाँ थे। सो आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया है कि एक शादीशुदा औरत बिना किसी परेशानी के मल्टीटास्किंग कर सकती है, फिर चाहे सामने बच्चे हो, पति हो, घर बार हो, ससुराल हो, 9 to 5 जॉब हो या फिर प्रेस्टीजियस सिविल सर्विस ही क्यों ना हो। औरत हर एरिए में आदमी से ज्यादा और बेटर मल्टीटास्कर है। दोनों की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ है। मैं जानती हूँ शायद अब जो मैं कह रही हूँ वो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते, बट कहना जरूरी था। थैंक यू सर। जय हिंद। मिस परागी, औरतों की यही तो प्रॉब्लम है, अचीव कम करती हैं और उड़ती ज्यादा है, पर मुझे पता है इन्हें कंट्रोल कैसे करना है। परागी तू तो सबसे अलग ही है। टेस्ट हमारा चल रहा था पर पत्रा सर का चेहरा देख के लग रहा था कि जैसे टेस्ट उनका चल रहा हो। शुमी वो हमारे सीनियर है, हमारे टीचर है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने की भी एक मर्यादा होनी चाहिए।
वो ऐसे किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सही बोला, अब कल ड्रिल टेस्ट में भी ना अपना जलवा दिखा देना। अब से मैं कोई टेस्ट मिस नहीं करने वाली, वरना मेरे इवैल्यूएशन स्कोर्स खराब हो जाएंगे। अब कल ड्रिल में ना मैं अपने आप को साबित कर दूंगी, फिर चाहे बत्रा सर को मुझसे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुझे कल किसी भी हाल में ये ड्रिल सक्सेसफुल कंप्लीट करना होगा।